दो कट्टे भर के अनार आए हैं, अब इन अनारों की टेस्टिंग होगी। मतलब इतने ज्यादा कट्टे हैं, तो एक काम करते हैं, दो पार्ट कर देते हैं। कुछ अनार अगले वीडियो में देख लेना, मतलब वीडियो के दो पार्ट कर दें, वरना वीडियो हो जाएगी बहुत लेंदी। अभी इस वाले कट्टे के अनार चलाते हैं और उनकी टेस्टिंग करते हैं कि कौन सा अनार कैसे चलता है। तो शुरू करते हैं। तो कट्टे में से सारे अनार निकाल लिए, ये सब अनार है हमारे पास। अब ये देखो कौन सा स्टैंडर्ड का जो है, एक ये है, ये तो ऐसे ही दिख रहा है आपको, डब्बे में से निकालने की जरूरत नहीं है। कि विशाल का है, ये भी शिवा काशी का है, ठीक होना चाहिए ये जो है। और इधर जो है ये जाइंट ग्रीन, ये बड़ा सही अनार है। देखो हाइट कितनी इसकी, लंबा चौड़ा चलेगा जब पता चलेगा। एक ये गोल्डन पेनी, ये तो अलग सा है, मतलब देखने में बुलेट फॉर्म जैसा है अनार है, देखेंगे। और ये रंग बरात, बहुत बड़ा अनार है, सबसे हैवी अनार जो है ना यहाँ पे यही है। अब देखो हाथ की कंपैरिजन में कितना जा रहा है, उससे भी बड़ा है ये जाइंट ग्रीन जो था ना, उससे भी बड़ा है ये वाला। और एक ये है, ये क्या है, स्टैंडर्ड का विसल, ये वाला जो है ये शायद विसलिंग वाला अनार होगा, सायरन जैसा होगा ये, इसको भी देखेंगे। और ये मेरी आवाज़, ये तो प्रॉपर सायरन ही आ गया। इन्होंने स्टैंड बहुत सही दिया इसके साथ, ये लकड़ी वाला जो स्टैंड है ना, ये बहुत प्यारा लग रहा है, मतलब अनार से ज़्यादा अच्छा ये लग रहा है इसका स्टैंड, हीरा। और इधर है ये एक सनफ्लावर का, ये कहाँ है, ये भी शिवा काशी का, ये भी ठीक हो सकता है, हीरा इस तरीके का है। और इधर बालाजी, ये बालाजी वालों का है, सब ये ग्रीन पटाखे हैं। देखो यहाँ पर भी लिख रहा है ना, ये भी ग्रीन है, सब ग्रीन पटाखों में है। तो अब टेस्टिंग शुरू करते हैं इनकी, इधर से शुरू कर देते हैं, पहले ये लेंगे फिर ये, मतलब करते हैं, मैं बता दूंगा आपको कौन सा है। सेफ्टी के लिए ग्लव्स ले लिए। अब पहले आ रहा है बालाजी का कलर कोटी, इस वाले अनार को देखते हैं ये कैसा चलेगा। ये वाला तो एकदम से जल गया, ज्यादा देर चला भी नहीं और बहुत जल्दी जल गया। इसको हटाओ, अब आता है ये वाला, ये सनफ्लावर जो अनार है, इसको देखते हैं। ये वाला अनार बहुत प्यारा था, बट हुआ क्या है, चला और जल्दी खत्म हो गया। थोड़ी देर और चलता ना तो बहुत अच्छा लगता, बट जो कलर थे वो बहुत सही है इस वाले अनार के। ये जो था सनफ्लावर का कलर कोटी बहुत सही है, कि बालाजी का कलर कोटी बेकार है, इसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आया। अभी देखते हैं मेरी आवाज़ कॉर्निशन वाला जो है, जिसका मैं कह रहा था ना स्टैंड बहुत प्यारा है, इसको देखते हैं। ये वाले अनार में भी कुछ खास मजा नहीं आया, बट इसका स्टैंड में वापस लिया, स्टैंड बहुत प्यारा, इसको रख दिया। अब लेते हैं ये स्टैंडर्ड का गोल्डन विसल, इसको देखते हैं कैसा है। इसके साथ भी स्टैंड आया, ये पिद्दू सा अनार इस वाले से ज्यादा अच्छा लगा मुझे। मतलब इसका जितना बड़ा साइज है ना, उतनी तो ना तो इसने तेज आवाज करी, ना उतने ज्यादा शाउट्स थे, पर ये जो छोटा था, साइज छोटा है पर आवाज बहुत प्यारी, बहुत तेज आवाज निकली इसकी, पतली पतली सी आवाज थी,
और अभी आते हैं किस पे, ये जो है इसको बाद में चलाएंगे, बड़े अनार को, गोल्डन पेनी जो है इसको देखते हैं। और इसमें भाई ना तो इन्होंने स्टैंड दिया है और ना ऐसे कुछ बत्ती वगैरह कुछ नहीं है। अगर इसको मैं दिखाऊं, बस ये है, इसको जलाना और अनार शुरू हो जाएगा। तो इस स्टैंड में आ जाएगा, हाँ इस वाले स्टैंड को ले लेता हूँ इसके लिए, ये रहा। मतलब ये गोल्डन पेनी जो था ना, ये वाला, इसके शावर्स बहुत प्यारे हैं। ये जो निकले थे ना वाइट वाइट जो फ्लैश से आ रहे थे, वो बहुत सही लगे मेरे को, बट इसे थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकते थे। मतलब अगर बड़ा होता ना तो मजा आ जाता, मेरा फेवरेट अनार बन जाता है। अब आते हैं इस पे, स्टैंडर्ड का फ्लावर पॉट डिलक्स जो है ये, यारा देखते हैं, कलर अलग है, अंदर से सब सेम ही होगा। तो ये वाला अनार भी ठीक ठीक था। अब आते हैं इस पे, विशाल वाला जो है ये, मतलब भाई आज की वीडियो का सबसे बकवास अनार ये है, हटाओ एकदम बकवास अनार। अब आते हैं इस पे, पहले जाइंट ग्रीन जलाएंगे, इसको देखते हैं ये जो है जाइंट ग्रीन वाला, फिर उसके बाद ये लास्ट रहेगा। दोनों बड़े बड़े अनार हैं, मजा आना चाहिए। ये वाला अनार चला तो बहुत सही, पर धुआं ज्यादा कर रहा था, पोल्यूशन ज्यादा कर रहा है, उतना ज्यादा कलरफुल था नहीं। अब आते हैं लास्ट वाला जो है सबसे सही अनार, रंग बरात जो है ये वाला। ये रंग बरात काफी बड़ा अनार है, देखते हैं क्या करता है।
ये वाला अनार जैसे मैं बता रहा था ना लास्ट में जलाया तो निकला बढ़िया, उतना पावरफुल अनार निकला जितना अब तक कोई नहीं था, बहुत सही अनार। तो इसलिए एक और जलाएंगे ये वाला। भाई बस यही था आज की वीडियो में। अब अनार की टेस्टिंग देख के आपको पता चल गया होगा कि हमें बाहर जाके कौन सा अनार लेना है, और अगर नहीं पता चला अभी भी कुछ अनार बचता है तो उसे देखेंगे पार्ट टू में।